अगेन और ये है गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन और ये है शेफ नौशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। बहुत दिनों बाद, एक वीक के बाद। चले खैर, एक हफ्ता। आज क्या डिश बन रही है मेरी जान? आज मैं बना रही हूँ क्रीमी करेले ना। अच्छा, हाँ क्रीमी करेले। क्रीमी करेले बिल्कुल हट के। आपने दाल करेले सुने होंगे, कीमा करेले सुने होंगे, लेकिन आपने क्रीमी करेले। चलें जी स्टार्ट करें। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? देखें, इसमें प्याज है। अच्छा, एक प्याज है। ठीक है, और 1 टेबल स्पून जो है सफेद जीरा है। अच्छा, ये इसमें जीरा इस्तेमाल हो रहा है। और ये क्या है? और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन। अदरक लहसुन बारीक पिसा नहीं है। ओके, ये नहीं कि ये कुचला हुआ। हाँ, यूं कह सकते हैं। ये आप सिल में कुचला हुआ। और इसमें 1-2 दरमियाने साइज की प्याज, प्याज काटी हुई है। अच्छा, इसमें मसाले कौन से? हल्दी है। ठीक है, सफेद मिर्च है, लाल पीसी हुई मिर्च है और नमक है। पीसी हुई मिर्चें और हल्दी, नमक और सफेद मिर्च। ठीक है जी। और ये स्पेशल क्रीम है। ठीक है, और ये दही है। दही और क्रीम। क्रीम 1 कप और दही 2 कप। और इम्पोर्टेंट चीज ये है, हाफ केजी करेला है, इसको मैंने फ्राई कर दिया। ओके जी, करेला नीम चढ़ा चले जी। हाँ, एक तो करेला, क्योंकि आपको पता है करेला जो है बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मुझे पता है, इसीलिए मैं आज इसको बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है, आपको और आपको पसंद भी है। और आप ये सोचे मैं कितनी कड़वी चीज खाती हूँ और कितनी मीठी बातें करती हूँ। मैं तो वो यही है ना, ये देखिए मेरी एबिलिटी, देखिए क्या माइनस प्लस प्लस होता है ना। अलजेब्रा पढ़ा लो तुम, मैथमेटिक्स। हाँ, तो क्योंकि आप देखें, आप कड़वा खा रही है तो आप मीठा बोल रही है ना। और जो मीठा आप खाते हैं वो छोड़ दे, बस वो तो छोड़ ही है। अच्छा, हम पहले प्याज ब्राउन कर लेंगे। okay. उसके बाद इसमें ये जीरा जो है ना, ये ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अदरक लहसुन जाएगा, फिर डालें। अच्छा जी, साथ साथ हमारा ऑफकोर्स अभी गायनेकोलॉजिस्ट मैम अदीला मौजूद है और हम बात कर रहे थे उनसे, साथ साथ किचन भी चल रहा है, साथ अदीला के पास चलते हैं। ओवर टू अदीला। अदीला ये बताइएगा, अच्छा जब भी हम लोगों को, खवातीन को जब एक इंतजार होता है शादी के बाद कि वो बच्चा कंसीव करे ना, तो उनको कुछ खास चीजें खानी चाहिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं फॉलिक एसिड टैबलेट, तो ये खाना जरूरी है? फॉलिक एसिड तो बहुत ही एसेंशियल होती है, क्योंकि जो है वो फॉलिक एसिड आपके लिए इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ये 75% न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं वो उसको प्रिवेंट करती है। तो आपको आइडियली जो है फॉलिक एसिड बिफोर कंसेप्शन खानी होती है, 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन। दूसरी चीज ये होती है कि आजकल जो डाइट है, डाइट एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट में आपने प्रोटीन डाइट लेनी है, देसी मुर्गी का अंडा है, ऑर्गेनिक मिल्क अगर आपको मिल जाए, और फैट फ्री डाइट लेनी है ताकि आपका एक्सेसिव वेट गेन ना हो, जिसकी वजह से आप जल्दी कंसीव कर सकें। ये बहुत जरूरी होता है। अच्छा, क्योंकि मैंने आजकल देखा है जो पेशेंट्स मेरे पास आती हैं इनफर्टिलिटी के लिए कि उनको कंसीव नहीं हो रहा, प्रॉब्लम्स हैं, तो जब पेशेंट का वेट चेक करते हैं तो उसका बीएमआई ज्यादा होता है। आपका जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो कैलकुलेट होता है आपके वेट से और आपकी हाइट से, जो नॉर्मल होता है 19 से लेकर 24 तक, 25। लेकिन लोगों का जो आजकल मैं देखती हूँ, ज्यादातर लोग ओबीस के मार्जिन में चले गए। क्या हमारा फास्ट फूड हम बहुत ले रहे हैं? चिकन के बारे में भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज है, व्हाइट चिकन जो आजकल फार्मी चिकन है उनके बारे में, उस पर भी स्टडीज आई हुई है कि उसमें बहुत हार्मोनल इंजेक्शन बढ़ा दिया है उन्होंने, बिल्कुल ठीक तो है। उसकी वजह से कहते हैं उससे भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और दूसरा ये फ्राइड आइटम्स है, मतलब फ्राइड चिकन और ये पराठे, ये सारी चीजें, पहले जो पुराने जमाने में हम पराठे भी खाते थे लेकिन बहुत ही सिंपल फूड होता था ना, बिल्कुल ठीक। हम सालन चावल खाएंगे, सब्जी रोटी खाएंगे, लेकिन आजकल का बॉल, क्योंकि जो जो चीजें उनको उनकी टेस्ट इन्हांस करने के लिए जो फ्लेवर्स और डालते हैं, ये कहते हैं आजकल ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, कैंसर भी करवा रहे हैं और इनफर्टिलिटी भी बहुत करवा रहे हैं, ओबेसिटी भी करा रहे हैं और हार्ट अटैक भी करा रहे हैं। अरे बाप मैम, ये तो बहुत डेंजरस है, टू मच। और बाकी में हम लोग बहुत गिल्टी फील करते हैं अगर किसी के घर चले जाएं और अगर वो बंदा दाल रख दे उसके आगे, उस बंदे ने ये सोचना है मैं मेहमान आया हूँ, मेरे आगे चिकन, यानी कि आप मेहमान की वैल्यू जब बढ़ेगी जब हम उसके आगे चिकन रख देंगे या कुछ मतलब बड़ा कुछ एहतमाम करेंगे, या यकीन करें मैं कहती हूँ कि ना, अगर आपको कोई खुलूस दिल से चटनी भी खिला रहा है ना, तो ये सोच लें कि आपके नसीब है
और आपका पेट उससे भी भर जाएगा। आपने कब ये सोचा कि आपके साथ क्या, वो जो चिकन आपके अंदर चलेगी उसने क्या आपको सारी जिंदगी कब्र तक बख्शवाना है क्या? ये होता है, बड़ा काउंट करते। मैं जाती हूँ तो मेरे लिए ये और बेसिकली खलूस और मोहब्बत होती है। और वैसे भी ये जो व्हाइट चिकन जो भी बता रही है फार्मिंग, एक इंजेक्शन लगा के इसको 15 दिन में जो है मेकिंग किया जाता है, तो उसमें क्या गजाइयत होगी मैम, सोचने की बात है। लेकिन हमारे जो है ना नाजिक नहीं सोचते, इसीलिए कहती हूँ करेले खाओ। चलो जी आ जाओ डिश की तरफ, सब्जियों पे जैसे ही पिंकिश हुई ना, मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन। अदरक लहसुन और कुछ लावा इन्होंने बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया। ओके, अच्छा मैं बनाती हूँ बड़े झटपट करेले ना, और आज मैं देख रही हूँ आज ये मैं घर में जरूर ट्राई करूंगी। मलाई करेले, मलाई क्रीमी करेले। अच्छा सॉरी, हो गया मेरी बात को रिपीट कर दिया, मेरी बहनों ने बुला दिया यार, मैं ऐसी हो गया, मैं बुला देती हूँ। आपने मुझे भी चेक करा दिया। देखो यार, अच्छा ये मसाले बाद में डालने? जी बिल्कुल, पहले दही वगैरह सब ऐड हो जाना। ओके, अच्छा इसके इन्होंने तो दही सारा डाल दिया, थोड़ा मैं सोची थी रोक देती कि वो आखिर में खाने में काम आता है मुझे रायता बना। तो जब इसमें इतना सारा है तो फिर क्या जरूरत, बस जरूरत ही नहीं है। मैं तभी तो दिल की तसल्ली हुई ना, मैं इसमें ही डाल दूंगी ताकि जो प्याज है ना इसमें थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। मैक्सिमम कितनी देर? 2-3 मिनट। 2-3 मिनट। अच्छा जी, हम लोगों ने जिस तरह मैम ने कहा कि हमारा जो जब न्यू हमारी मैरिज होती है और शादी के बाद जो है सिस्टम हमारा ऑफ कोर्स एक साइकिलिंग में चलता है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और बहुत ज्यादा मोटे हैं तो फिर वो आपकी जो कंसीविंग में ज्यादा अदीला जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ओबेसिटी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। क्या बहुत ज्यादा स्मार्ट लड़कियां क्या उनको भी प्रॉब्लम्स हो सकती है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा जिनका BMI 19 से कम है उनको उनके जिस्म के जो ब्रेन के हॉर्मोन, ब्रेन से आपके रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन ब्रेन से भी रिलीज होते हैं, वो कम हो जाते हैं, उसकी वजह से उनको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। आपको बेसिकली अपना BMI मेंटेन करना है 19 से 24 में, उससे कम होता है तो भी प्रॉब्लम्स होती है। उसमें हम कहते हैं आप वेट गेन करें। अब अगर कॉज क्या है वो रूल आउट करना है। समटाइम्स थायराइड होता है, हाइपर थायराइडिज्म जो होता है वो अच्छे से वेट लॉस करवाता है, उसकी वजह से भी जो है प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, उसको ट्रीट करते हैं तो समटाइम्स पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है। FSH LH अगर कम रिलीज हो रहा है उसकी कॉज यही होती है कि आपका ब्रेन जो है वो आप खाना कम खा रहे हैं, फिर हम उन पेशेंट्स को खाना खिलाते हैं, उनका वेट नॉर्मल करते हैं, उसके बाद वो कंसीव कर लेते हैं। अच्छा इन्होंने भी कहा थायराइड, मैंने अक्सर देखा है लोगों को थायराइड प्रॉब्लम होती है अदीला जी, बहुत ज्यादा होती है। हम बात करेंगे, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, पूछना चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं। हम लोग चलते हैं जी, कितने 2-3 मिनट इन्होंने कहा इसका पानी खुश्हो जाए। ठीक है, इसके बाद फिर मैं करेले ऐड कर दूंगी। अच्छा ये फिर, अच्छा मसाले सबसे आखिर में, पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा जी, जो इनका जरा टेक्सचर देखिएगा, अच्छा जी जी भूनेगा भी? हाँ, मैं बता रही हूँ कि ये अभी फिलहाल खत्म हो जाएगा, खुश हो जाएगा ना, तो उसके बाद इसे मैं भूनूंगी। अच्छा इसे फिर इसे ओपन रखें, फिर इसे बनाए वो स्टीम अंदर ही रह जाएगी। अच्छा जी नाजिर, हम लोग जिस तरह कोशिश करते हैं कि हम लोग डिफरेंट किचन में जब आए तो कुछ, अब मैं सोच रही हूँ कि हम लोग कुछ ऐसे टिप्स की बात करें। करेलों में कड़वाहट बहुत होती है नौशीन, इसकी कड़वाहट को आपने जो मैंने अभी देखा कुछ सोख से हुए, ये क्या कहानी है इसकी स्टोरी सुना? मैंने ना इसको पील ऑफ करके फिर इस पर मैंने नमक लगा के अच्छे से और इसे रख के छोड़ दिया था। इसके ऊपर मैंने छन्नी में रख के से और इसके ऊपर सिलबट्टे बट्टा जो होता है ना वो रख दिया था, पुश करने के लिए। उस पर थोड़ा नमक लगाया, थोड़ा नहीं काफी नमक लगा के फिर आपने इसे रख दिया था छन्नी। ओके ठीक है, और इसे वजन रखा था इसके ऊपर ताकि इसका जो पानी है ना सारा नमक का और सारा जो इसका कड़वाहट है वो निकल जाए इसके। अच्छा, तो तकरीबन मैंने इसे 1 घंटा रखा था इस तरीके से। उसके बाद फिर मैंने इसको धो के और अभी फ्राई कर दिया मैंने इसको। अच्छा फ्राई भी किया था? जी फ्राई किया इसको मैंने, जब भी वो जरा से कड़वाहट जो है ना खत्म हो जाए। अच्छे जब भी मैं ऐसे खा जाऊंगी तो मुझे नहीं फेवर है कड़वा खाते हुए, लोग ना बहुत घबराते हैं मैंने देखा, नहीं खाते कड़वाहट ना। अच्छा ये जैसे आप अपने ये जो ये रेसिपी कैसे क्रिएट की, क्रीमी करेले? जैसे मैंने चिकन का क्रीम चिकन बनाया था आपको याद है, तो बस उसी तरीके से। क्रीम आपको पसंद तो नहीं? हाँ बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं बेकिंग का काम करती हूँ। चीज में क्रीम डाल रही है लड़की, करेलों को भी नहीं बख्शा। और ये मेरी काफी पुरानी रेसिपी है ये, वैसे देखे मैं करेले की फादी दिए
आप हफ्ते में एक दिन जरूर खाएं। बिल्कुल। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी गड़बड़ ऐसा कुछ नहीं, दही नहीं, के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ब्लड आपका खून साफ करने की बेहतरीन प्रोडक्ट है, हम लोग सब्जी कहते हैं। और आप इसका जूस पिए, शुगर के लिए तो बहुत मुफीद है। करेले डायबिटीज के लिए कहते हैं कि इसके, जी बिल्कुल जी बता रही थी अदिला जी, डायबिटीज के लिए कहते हैं कि ये डायबिटीज शुगर लेवल्स को लोअर डाउन करती है। बिल्कुल हाँ, वही डिटॉक्स होता है ना, बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन करती है ब्लड की। और वैसे भी हमारे अंदर जर्सीम इतने होते हैं, हम लोग इतनी इतनी चीजें खाते हैं, पानी ऐसा पी रहे हैं, आबो हवा ऐसी, तो हमारा खून में वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लॉकेज होती है, खून साफ करता है, खून को पतला करता है। एक मजे की बात बताऊं कि जो करेले का जूस है ना, इससे इससे जो करेले से हमारे जो बालों की जो दो शाखे हो जाती है ना, दो मुए बाल हो जाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। जबरदस्त यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसका जूस आप इसका, और अगर आपके पास भी कोई इससे रिलेवेंट कुछ अच्छी बात है तो आप हमें शेयर कर आप हमें शेयर कर सकते हैं। और ये वाकई मुझे शुगर पे, और यकीन करें दीला जी, हर तीसरे बंदे को शुगर होता है। और एक ऐसे बड़ा सरप्राइज होगा कि किसी को ये पूछे आपके घर में कोई शुगर पेशेंट नहीं है, यकीन करें बड़ा एक सरप्राइज है। अगर शुगर हो उसमें डिलीवरी केसेस में कितना मार्जिन होता है। मैं अभी ये सोची थी कि मुझे ये भी डिस्कस करना चाहिए कि प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है आजकल तो कितना कॉमन है। ये हमारी जो रेस है, पाकिस्तानी रेस, या उनमें तो बहुत कॉमन है शुगर, 1 in 5 है। और प्रेगनेंसी में हर वो पेशेंट जो जो इस रेस से ताल्लुक रखता है उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए शुगर की, क्योंकि शुगर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है अगर वो प्रेगनेंसी में हो जाए। एक्चुअली शुगर जो है ना वो पेशेंट के लिए इतना नुकसानदेह नहीं होता, पेशेंट के लिए तो उतना ही नुकसानदेह होता है जितना वो होता है, जितना वो हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, इससे अनएक्सप्लेन डेथ्स हो सकती है बच्चे की पेट में, बच्चे के वेट ज्यादा हो सकता है, उसका डिलीवरी के टाइम पे शोल्डर फंस सकता है और ट्रोमेटिक डिलीवरीज हो सकती है, बेबी के इंट्रापार्टम बच्चा जो है वो स्ट्रेस ऑफ लेबर को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इतने सारे इश्यूज हैं डायबिटीज को लेके। और डायबिटीज जो है वो हम आजकल एक टेस्ट कराते हैं जिसको कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें 10 आवर्स की फास्टिंग होती है, उसके बाद हम पेशेंट की फास्टिंग शुगर्स को चेक करते हैं, फिर हम शुगर फिर पेशेंट की शुगर उसको शुगर लोड पिलाते हैं, फिर 1 और 2 घंटे के बाद शुगर चेक करते हैं। और जब हम देखते हैं तो काफी पेशेंट्स की जो है ना इंटॉलरेंस होती है शुगर। अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूंगी नाज़रीन, आप लोगों के दरमियान कुछ ऐसे होंगे जो लड़की को अगर शुगर नहीं है शादी के बाद, लड़के को शुगर है, तो फिर वो दोनों के सिम्टम कुछ ऐसा तो नहीं होता कि ट्रांसफर हो सके, उनको भी शुगर हो जाए? नहीं नहीं, शुगर तो शुगर कंटीजियस डिजीज थोड़ी है। ठीक है, वो ये है कि आपको है तो आपकी तक महदूद रहेगी। हाँ, लेकिन अगर आपका हस्बैंड जो है आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, आपका खाला मामू फुप्पू का बेटा, ब्लड रिलेशंस में, ब्लड रिलेशन है, तो ऑब्वियसली अगर उसकी हिस्ट्री है तो आपको आगे जाके फ्यूचर लाइफ में हो सकती है। आपकी फैमिली में एक भी अगर डायबिटिक है जो आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, मतलब ये है कि आपकी ददियाल और ननियाल में जो आपके मामू चाचा दो लोग होते हैं, खाला और फुप्पी, और आपके नानी दादी या ठीक दादा दादी, दोनों में से किसी को भी शुगर है, तो वो पेशेंट को प्रेगनेंसी में शुगर हो सकती है, उसको स्क्रीन होना चाहिए। या पेशेंट को हिस्ट्री है कि पेशेंट का लास्ट, हमने सुना होता है कि भाई पेशेंट आई है उसको हरकत नहीं हो रही है, और जब देखा तो IUD हो जाता है, मतलब बच्चे की इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है। तो अगर ऐसे पेशेंट इस हिस्ट्री के साथ आते हैं कि इंट्रायूट्राइन डेथ, उसका सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो होता है हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज इन प्रेगनेंसी होता है। तो ये दोनों चीजें क्लोजली मॉनिटर होनी चाहिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। और ऐसे पेशेंट का हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 2 दफा कराते हैं ताकि वो टाइमली डायग्नोज हो जाए, क्योंकि जिसमें शुगर कब ज्यादा रिलीज होगी आपकी, और शुगर का भी नॉर्मल जितना हम शुगर का कंट्रोल रखते हैं उससे टाइट कंट्रोल रखना होता है प्रेगनेंसी में। मतलब इनटॉलरेंस भी बर्दाश्त नहीं है, इनटॉलरेंस का कोई वर्ड ही नहीं होता प्रेगनेंसी में, या आपको शुगर है या आपको शुगर नहीं है। अच्छा एक और डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है वो खत्म भी हो जाती है। अच्छा, लेकिन ये होता है कि 50% चांसेस होते हैं ऐसे, क्योंकि एक दफा इनटॉलरेंस आपको प्रेगनेंसी में हो गई तो आपको फ्यूचर लाइफ में 50% रिस्क होता है कि प्रेगनेंसी में के बाद आपको नॉर्मल लाइफ में भी डायबिटीज हो जाए। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि रिवर्ट हो जाती है अगर वो प्योर जेस्टेशनल डायबिटीज है। हाँ, ये है कि आपने उसके लिए ये होता है कि आपको अब ये डायग्नोज करना है कि भाई इतने टेस्ट कितनी दफा तो होता है कि लड़कियों के इतने टेस्ट कभी हुए ही नहीं होते जो प्रेगनेंसी में हो रहे होते हैं। हमने डायबिटीज डायग्नोज कर ली, फिर हम क्या करते हैं जब डिलीवरी हो जाती है उसके 6 हफ्ते के बाद फिर शुगर टेस्ट कराते हैं।
अगर वो शुगर है तो इसका मतलब था, इसका मतलब ये था कि पेशेंट को पहले से शुगर थी जो अब प्रेगनेंसी में डायग्नोस हो गई। ओके। और अगर 6 वीक्स के बाद अगर आपको शुगर नहीं आती है तो उसका मतलब है इट वॉज जेस्टेशनल डायबिटीज। लेकिन अब ये है कि हर प्रेगनेंसी में आपको रिस्क हो गया शुगर डायबिटीज का प्रेगनेंसी में। और दूसरी ये होगा 50% आपकी फ्यूचर लाइफ में आफ्टर 45-50 आपको डायबिटीज हो सकती है, हो सकती है। अच्छा मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कि रियल ये हुआ था आज से मेरे ख्याल 7-8 साल पहले। एक लड़की थी, उम्र काफ़ी हेल्दी थी। अब उस मेरे सामने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सहना है मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने 2 जुड़वां बेटे पैदा किए और उसके बाद वो कोमे में चली गई। अब मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल में उसको शायद बहुत हाई ब्लड प्रेशर होगा मे बी। वो बिल्कुल कोमे में थी, उसके हस्बैंड उसके पास खड़े हुए थे। मैं देखने भी गई थी क्योंकि मैं उसके 1 साल पहले शादी अटेंड की हमारे मोहल्ले में थी। तो बड़ा दुख हो रहा था कि वो उठ नहीं रही और वो बिल्कुल ऐसी आंखें बंद थी। उसको लेके पहले मैं जुबैदा या किसी से हॉस्पिटल में जहन में भी नहीं है ऐसे करीब का, फिर वो जिना लेके गए सेवल कहाँ पर, लेकिन उसको लेके घूमते रहे वो मैक्सिमम 2-3 हफ्ते कोमे मेरी। फिर उसकी डेथ हो गई। तो उसके 2 बच्चे भी थे, बड़े प्यारे हेल्दी बच्चे थे, उसने 2 जो है बेटे पैदा किए। लेकिन ये क्या सिचुएशन होती है कि एक प्रेगनेंट खातून जो है वो कोमे में चली जाए, क्या सिचुएशन? वही बात है, स्ट्रोक हो गया तो, और दूसरा प्रेगनेंसी के अंदर एक्लेम्शिया हो सकता है। एक्लेम्शिया जो होता है वो हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट को फिट पड़ सकता है। ओई, ओई। और फिट पड़ गया और अगर ब्रेन के अंदर हैमरेज हो गया, इंटरनल ब्लीड हो गया, तो उसकी डेथ भी हो सकती है, कोमा में भी जा सकती है। बहुत कॉमन है ये। मैं जो है वो मैंने तो सिविल हॉस्पिटल जैसे इदारे में काम किया है बहुत साल, तो वहाँ तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं कि उनकी पूरी प्रेगनेंसी स्क्रीन नहीं हुई और पेशेंट जो है वो फिट के साथ आपके पास लैंड कर रहे हैं। लेकिन अगर, और आपको एक मजे की बात बताऊं कि अगर हाइपरटेंशन को बहुत प्रॉपरली ट्रीट किया जाए प्रेगनेंसी में तो बहुत आराम से वो कंट्रोल भी हो जाता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। लेकिन बात ये होती है कि आप कितनी दफा डॉक्टर के पास जाते हो। हाँ, आपने कितनी बार अपने उसको टेस्ट करवाए, मतलब हाँ, मतलब लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है। प्रेगनेंसी बोलते हैं कि लोगों के दिमाग में ये होता है कि प्रेगनेंसी तो बस प्रेगनेंसी है ना, उसको दिखाने के लिए उस डॉक्टर के पास जाने की फिजियोलॉजिकल चेंज है। इट्स नॉट अ फिजियोलॉजिकल चेंज, इसमें 10 चीजें हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नॉर्मल तो बहुत सारी चीजें, ज्यादातर लोगों को नॉर्मली चलती है प्रेगनेंसी। लेकिन स्क्रीन तो यही होती है ना कि हम 10 में से 1 बंदे को स्क्रीन करें, और स्पेशली ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। अल्लाह, वाकई में जाहिर बात है एकदम बंदा का बीपी शूट कर जाए तो ऑफ कोर्स अगर वो पहले से कुछ फिट पड़ता है, फिट बिल्कुल फिट्स पर जाते हैं, फिट में पड़ता है, वहीं पे ब्रेन में कोई शरियान होती है वो फट जाती है या स्ट्रोक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा जी, हम लोग किचन की तरफ चलते हैं। नौशीन कहाँ तक पहुंचे चंदा? हो क्या दिशा बताएं सब, आपने क्या ब्रीफ करें तो जहाँ तक आगे से स्टार्ट किया था आपने। प्याज ब्राउन जब हो गई थी तो फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया था, जीरा के बाद मैंने दही ऐड कर दिया था सभी, फिर उसको भूना मैंने अच्छे से, फिर करेले ऐड कर दिए, फिर जो सारे स्पाइसेस मैंने निकाल के रखे थे वो डाल दिए, और उसके भूनने के बाद लास्ट में मैंने इसमें बिल्कुल लास्ट में क्रीम ऐड करी है ना, ठीक है, और क्रीम ऐड करके फिर मैंने 1 मिनट के लिए इसे कवर कर दिया था और अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। ये अब डिश आउट करके आप यहाँ पर जो है तशरीफ ले आए और टेबल पर रख दें, हम लोग जो है अदीला जी के पास चलते हैं। अदीला, जिस तरह आप क्या खवातीन को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं खवातीन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी लाइट ना लें, ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर एंटीनेटल विजिट्स करें, बच्चे की पैदाइश एक अच्छे हस्पताल में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़, अगर बच्चे को डिलीवरी के टाइम पे कुछ हो गया तो उसकी ब्रेन को कॉम्प्रोमाइज़ होने में कुछ मिनट लगते हैं, घंटा भी नहीं लगता, मिनट लगता है, मिनटों में चीजें खराब हो सकती हैं। तो बच्चे डिलीवर अच्छी फैसिलिटीज में होना चाहिए, स्पेशली वो प्रेगनेंसी वाले बच्चे जिसमें कॉम्प्लिकेशंस है, जिनमें कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, आज हमने जो गुफ्तगू की वो रिलेवेंट टू खवातीन को क्या क्या
जब कंसीव करती हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि मैं बच्चों की जो जब वो इनिशियली जब ऑफकोर्स हमारे गोद में आते हैं उसके बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। मैंने देखा है पता उनकी कुछ स्किन उतर रही होती है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर बहुत होते हैं, वेट उनका बहुत कम होता है, आखिर ऐसा ऐसा ग्रेजुअली ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहुत वीक बच्चे वीक होते हैं। उसके बाद का प्रोसीजर क्या क्या है, लाइक उनको इंजेक्शन कौन से लगवाने। हमें बचपन में होता था जी खसरे का, तो पोलियो के कतरे और ये सब एक प्रोसीजर होता है, बच्चे को रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का माहौल एनवायरनमेंट चल रहा है तो देन रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो रिकमेंड करें अपने हॉस्पिटल से और वो मेंशन मतलब हमें गाइड करें और हमारे ख्वातीन को अवेयर करें कि इनिशियली जब बच्चा बाय बॉर्न आता है दुनिया में तो ऑफकोर्स वो हमारा ही मोहताज होता है, अपनी माँ का फीडिंग है, दूध नहीं पी रहा और नहीं होता सब टाइम, माँ का दूध नहीं पी पाता या माँ के पास अगर सब टाइम माँ मैंने देखा अक्सर के उनका दूध नहीं कहते कुछ कहते चढ़ नहीं रहा, कुछ इस तरह के वर्ड्स भी होते हैं, तो दूध फिर उसे दूसरा लगाना पड़ता है, अल्लाह ने करे उस सूरत में होता कि माँ की डेथ हो जाए तो बच्चे को फिर क्योरिंग होती है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी बच्चा डेथ हो जाती है, कभी माँ का, फिर माँ को अगर डेथ हो जाए बच्चे का तो माँ को फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये बहुत हिडन सी बातें होती हैं लेकिन हमारी कुछ खवातीन जो दही इलाकों में रखी या कुछ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो हॉस्पिटल्स में सिर्फ अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाती है, देन एक्स्ट्रा ऑफकोर्स ना डॉक्टर के पास टाइम होता है, ना आप लोग इन्फॉर्मेशन लेते हो, ना अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, बच्चा आपके हाथों से निकल जाता है। मैं सच कह रही हूँ, हेल्थ आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है वो जब स्टार्ट सीजन का बहुत इफेक्ट होता है, गर्मियों में बाय बॉर्न होना उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, सर्दियों में बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स होती है, इन सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्यूजडे। अच्छा जी मैं सही कह रही हूँ, इस तरह होता है कि नहीं होता है? बच्चे जब दुनिया में आ जाते हैं तो माँ को जब बच्चे आते हैं तो जो फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ होते हैं उसको हम न्यूनेटल पीरियड कहते हैं, और न्यूनेटल पीरियड में हमारे यहाँ पेरीनेटल मोर्टेलिटी का बहुत हाई रेशियो है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी 7 डेज तक होती है टिल बर्थ, और न्यूनेटल पीरियड में भी बहुत डेथ्स होती है। यही होता है कि बच्चे को सही बर्फ नहीं दिलाया, बच्चे को सर्दी लग गई, बच्चे को ठंड लग गई, बच्चे ने एस्पिरेट कर लिया, वैक्सीनेशन उसको टाइम पे नहीं लगी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्योंकि माँ से अल्लाह पाक ने वो एक पहले उसका रिस्क दे देता है ना दूध की सूरत में, तो माँ का भी दिल करता है कि खान बच्चा जब फीड उनका ले रहा होता है तो वो कुछ खा लेती हैं ऐसी चीजें, क्योंकि वही खुराक आपके थ्रू उनको मिलती है। अब आपने ज्यादा ठंडा पानी पी लिया, आपने ज्यादा हैवी चीजें खा ली, गर्मी तो बच्चे को इफेक्ट हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं होता, आपकी बॉडी के अंदर से जो मिल्क निकलता है वो बिल्कुल 100% स्टेरिलाइज्ड होता है एंड प्रोसेस्ड होता है। जब इंसान ने प्रोसेस करना मिल्क को सीखा तो अल्लाह ताला ने तो पहले से जिस्म के अंदर प्रोसेस करके ही मिल्क मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने ठंडा पानी पी लिया वो बच्चे को ठंडा पानी लग गया, ठीक है, कोई डायरेक्ट चीजें नहीं है, फिल्टर्स लगे हुए हमारी बॉडी के अंदर चीजों को डिटॉक्सिफाई करते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज को तो डिटॉक्सिफाई, अब हम इतनी गंदी एयर लेते हैं लेकिन हमारे जिस्म के अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं ना हमारे लंग्स में जो एयर को प्योरीफाई करते हैं, इसी तरह हमारे ब्रेस्ट मिल्क में भी फिल्टर्स लगे हुए हैं कि इस चीज को हमें इस चीज को बच्चे को मिलना चाहिए, ये चीज बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। मैंने कुछ खा लिया तो मुझे बच्चे को भी गैस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा लेकिन ये चीजें मैं तो क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन कर रही हूँ ना, ये सवाल हम उस दिन करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि इससे कोई करना, क्योंकि अक्सर फिर वो सांस वगैरह जो होते हैं ना वो कहते हैं कहते हैं कि बस सुनी सुनाई बात कहते हैं, तो हम इसी चीजों को हम ये फैक्ट्स नहीं है अल्लाह ताला, और हमारे पास पूरी एक लिस्ट होती है, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो मिल्क बैरियर को मतलब जो मिल्क होता है उसमें रिसिक्रीट होती है, हाँ, और कुछ जो होता है वो नहीं होता। बिल्कुल हम इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीनो शो। मैम हमारे साथ थी और बड़े हमने कोशिश की बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है उन खवातीन को जो प्रॉब्लम्स होती हैं बेबी कंसीव करते हुए तो उन सब के डिस्कस की, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्यूसडे को आप मेरे साथ रहिएगा कि मैम भी होंगी और एक और डॉक्टर को भी बुलवाएंगे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो उन सब पे डिस्कस होगी, क्योंकि मैम भी रेलिवेंट है गायनी से तो वो उनका भी होना जरूरी है और उनका भी होना जरूरी है। एंड थैंक्स फॉर नौशीन आपके डिश करेले, मलाई करेले पहली बार, क्रीमी करेले थैंक यू सो मच आपका आने का, कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त।
मजा आया, अच्छा थैंक यू। चले जी हम लोग यहाँ पर इजाजत चाहेंगे, कल फिर मुलाकात करेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।